अगर आपको भी अस्थमा की बीमारी है और बहुत दवाई लेने के बाद भी आपकी अस्थमा की बीमारी नहीं जा रही है, तो घर बैठे ही आप हमारे उपाय को करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपाय आपकी अस्थमा की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। हाँ जी फ्रेंड्स, इस उपाय को जानने के लिए बिना स्किप किए हुए मेरे पूरे वीडियो को जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये उपाय कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको अस्थमा की बीमारी के लिए एक दवा बनाना सिखाएंगे। अगर आपको भी अस्थमा यानी कि दमा और सांस फूलने की समस्या है तो आज आपके लिए एक छोटा सा उपाय बनाना सिखाएंगे, घर बैठे एक दवा बनाना सिखाएंगे जिसको करके आप अस्थमा की बीमारी को धीरे धीरे गायब कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा उपाय है, आपकी जो अस्थमा की जो बीमारी है वो धीरे धीरे चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और बताते हैं आपको ये उपाय कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अस्थमा जिसे हम दमा और सांस फूलना भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। कुछ लोग दमा का इलाज करने के लिए दवा लेते हैं तो कुछ लोग होम्योपैथी दवा से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपको एक ड्रिंक बनाना बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपकी जो सांस फूलने की समस्या है ना, वो धीरे धीरे चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, ये आपको आसानी से घर पे मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक ली है, इसके साथ हम ऐड करेंगे हनी शहद। सो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं ये ड्रिंक आपको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इस पैन में मैं सबसे पहले एक ग्लास पानी डालूंगी ड्रिंक बनाने के लिए। इसके बाद हम डालेंगे जो मैंने आपको एक चम्मच मेथी दाना बताया था, आपको एक चम्मच मेथी दाना डालना है। देखिए, मैं ये भी इसमें ऐड करूंगी। इसके साथ ही हम करेंगे थोड़ा सा पिंच इसमें अदरक, थोड़ा सा आपको लेना है, जितना मैंने किसा हुआ लिया है आपको उतना ही लेना है। इसको पूरा ऐड कर देंगे, इसको पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 मिनट आपको पकाना है, अच्छे से उबलने देना है जब तक जो मेथी दाना है और जो अदरक है पानी में अच्छे से उबल ना जाए। फिर इसको छान करके गुनगुना होने के लिए साइड में रख देना है कि ताकि पीने लायक हो जाए, थोड़ा गुनगुना पानी हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा का इलाज इसके लिए कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रिंक अच्छे से उबल चुका है, मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट इसको उबाला है। अब मैं इसको छान लूंगी एक गिलास में और इसको गुनगुना होने के लिए साइड में रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस ड्रिंक को छान लिया है और ये ड्रिंक सिर्फ गुनगुना है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच शहद। फ्रेंड्स, ये जो ड्रिंक मैंने बनाया है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आप जरूर इसको यूज करके देखें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 चम्मच शहद मिला लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको रोज 2 टाइम इस ड्रिंक को लेना है, यानी कि आप सुबह और शाम को लेना है, कभी भी लें खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, पर आपको इसको 2 टाइम सुबह और शाम लेना है। इस ड्रिंक को 10 दिन में आपको आराम जरूर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो अस्थमा की बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है तो आप इस उपाय को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा और मैजिकल रामबाण उपाय है, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा, अस्थमा की बीमारी घर बैठे ही ठीक हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई भी दवा, कोई भी तरह की दवाई लेने की जरूरत भी नहीं है। सो फ्रेंड, जरूर करके देखें, बहुत ज्यादा अच्छा उपाय है। और आप मेरे वीडियो को भी जरूर लाइक कर लें ताकि और भी आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।